Hey guys, welcome back to my new vlog. और आज का vlog हमारा ये घर से नहीं बाहर से शूट हो रहा है, गाड़ी में शूट हो रहा है। इसका मतलब हम कहीं घूमने आए हैं। कहाँ पर घूमने आए हैं? हम आए हैं अभी हिमाचल में अपने मंडी साइड, अभी है हमीरपुर में। और हमीरपुर में मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का, उस मंदिर में आए हैं। लगभग अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर रह गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया व्यू, बहुत इंजॉय करते हुए आ रहे हैं सारे। पीछे मम्मा बैठी हुई है, पापा ड्राइव कर रहे हैं और आप देख सकते हो पीछे बैठी है सिस्टर। तो हम सब यहाँ पर बहुत मस्ती करते हुए सुबह आराम से आ चुके हैं। चलिए मैं आपको आगे का नजारा दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। इस ये देख लीजिए, ये रोड आ रही है और यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है कि सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की पावन स्थली में आपका स्वागत है। तो इस तरह से आपको आएगा। और अभी तो वैसे बहुत अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है यार, मई में भी बारिश होने के बाद ना देखो कितनी ग्रीनरी बढ़ गई है, और बरसात में हिमाचल और भी ज्यादा सुंदर दिखता है, जैसा कि आपको अभी वीडियो में दिख रहा होगा। तो जब बाबा बालकनाथ जी के मंदिर आओगे, आप बहुत माने गए हमारे बाबा बालकनाथ जी हैं, और आओगे तो आपको बहुत अच्छा पीस, बहुत अच्छी शांति मिलेगी। तो एक बार ज़रूर आना। अभी गाड़ी पार्क करके हम थोड़ा सा ऊपर पैदल चढ़ाई भी चढ़ेंगे, तो ज़्यादा नहीं है, अब थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि रास्ते जो है वो रोड जो है पूरा मंदिर तक पहुँच चुका है। बस कुछ 1-1.5 किलोमीटर का होगा जो कि हम चढ़ाई चढ़ेंगे और आपको मैं दिखाऊँगा आगे। तो गाइस देख लो, मैंने कहा था ना यार, बारिश होने के बाद कितना सुंदर प्यारा सा नज़ारा दिखता है एक, तो ये कुछ उसी तरह से है। और आप देख सकते हो गाड़ियाँ भी जा रही हैं यहाँ पर, सारे श्रद्धालु वगैरह जा रहे हैं सारे अपनी अपनी गाड़ी में। और यहीं से मंदिर का रूट स्टार्ट हो चुका है, तो आप झंडे वगैरह देख सकते हो, आपको इस तरह से लगे हुए मिल जाएंगे, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ भाई हमारा जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा करीब है। से शुरू हो चुका, देख लो काफ़ी लोग भक्तजन जो है, सारे भक्त लोग पैदल जा रहे हैं, सारे श्रद्धालु काफ़ी अच्छा चिल्लाते हुए जा रहे हैं। और फुल अगर आप ग्रुप में आओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा ऑब्वियसली, वो तो है ही, बट आप फैमिली के साथ आओगे तो थोड़ा सा आप कम एंजॉय कर सकते हो, दोस्तों के साथ ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती है। बाकी यहाँ पर आप देख लो कितना अच्छा व्यू है यार, अगर आप आओ ना तो कभी कोशिश करना, ट्राई करना कि बरसात के आसपास आना, अच्छा दिखेगा हिमाचल आपको, बहुत प्यारा सा लगेगा। अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता है और आपको मंदिर दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया। तो अभी मंदिर हमारा 2 किलोमीटर है लगभग, लेकिन पहाड़ में ऐसा होता है कि आपको अगर 1 किलोमीटर भी चलना है ना तो बहुत घूम घूम कर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत अच्छा व्यू है मंदिर का, थोड़ा सा पहाड़ से मतलब पेड़ों से छुप रहा है, उस पहाड़ में आप देख सकते हो वही हमारा पूरा मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का। सो गाइज आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे ना तो लगभग आपको एक पार्किंग के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी बसेस भी खड़ी हैं और यही पार्किंग है, प्राइवेट पार्किंग है। तो चाहे आप आर्मी में हो या फौज में हो, किसी में भी हो, आपकी फ़ीस लगेगी लगेगी और 100 रुपीज़ लेते हैं पार्किंग का। चलिए वो तो एक होगी अलग चीज़, लेकिन अब मंदिर देख सकते हो आप पीछे दिख रहा होगा बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, अब हमें वहाँ पर जाना है। लगभग 2 किलोमीटर का यहाँ से वॉकिंग है, और गाड़ी यहाँ पर हमने पार्क कर ली है अपनी किया सोनेट, देख सकते हो नई गाड़ी है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से, तैयार हैं सारे, चले तो अब सभी तैयार हैं, यहाँ से चलते हैं ऊपर, फिर आपको बताता हूँ कि और क्या क्या हम आगे देख सकते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मंदिर को भी देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ से हम ट्रैक कर रहे हैं, देखो आगे अभी इन्होंने कुछ कहा कि काम चल रहा है, इस वजह से गाड़ी नहीं ला पाएंगे, तो इसीलिए हमने पीछे पार्किंग कर दी है। और यहाँ से आपको ऐसे स्टॉल्स मार्केट दिख रही होगी छोटे छोटे, कुछ बंद हैं कुछ खुले हुए हैं। तो गाइज़ अब गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 से आपको अंदर जाना है, यहाँ से देख लीजिए आपको लुधियाना धर्मशाला दिखेगा, वहीं से आपको गेट मिलेगा और इसी गेट से आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, बाबा जी का नाम लेते जाओ बस। तो गाइज़ फिर हमने यहाँ पर बाबा जी के झंडे ले लिए थे, क्योंकि झंडे भी ऊपर लगाते हैं लोग चढ़ाते हैं, और प्रसाद वगैरह देख सकते हो थैले में, तो आप यहाँ से ले लेना या थोड़ा पीछे से ले लेना। फिर उसके बाद आप जय जयकारा लगाते हुए बाबा जी का ऊपर चढ़ते जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, बाबा जी जय जयकारा लगाते जाओ। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे गुफा के और बाबा बालकनाथ जी के, और यहाँ से आप ऊपर देख सकते हो काफ़ी, अभी हमें चढ़ के जाना है, काफ़ी मेहनत लगेगी। सो गाइज़ आपने अपने शूज़ वगैरह नीचे मत उतारना, बहुत बोला जाएगा शूज़ उतार लो, हाथ धो लो, पैर धो लो, बट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप शूज़ यहाँ पर अपने रख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, रैक में बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, कुछ ओपन नहीं है, कुछ नहीं है। तो नीचे शॉप्स में मत खोलना, अदरवाइज़ वो आप फिर चार्ज करेंगे ना, तो वहाँ पर मत खोलना। सो गाइज़ आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करोगे तो यहाँ पर आपको गेट नंबर 2 मिल जाएगा, सेम गेट नंबर 1 लिखा था ना, आगे आना तो गेट नंबर 2 मिल जाएगा आपको इस तरह से, और सीधे सीधे चलते जाना है बस, सभी लोग जा रहे हैं तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, इसलिए गर्मी और पसीना कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया मज़ा सा आ रहा है।
तो गाइस यहाँ से अब हम आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और अब हमें गुफा का दो रास्ते मिलेंगे। देख सकते हो लेफ्ट वाला जो है महिलाओं के लिए है और राइट वाला जो है वो पुरुषों के लिए है। तो आप इसी हिसाब से यहाँ से जा सकते हैं अंदर। तो राइट साइड से अब हम जाएंगे दर्शन के लिए, गुफा का दर्शन होगा। अंदर बाबा जी हैं गुफा में, तो देख लीजिए यहाँ से सिस्टर एंड मेरी मम्मा जो है यहाँ से चली गई हैं। तो अब हम खड़े हो जाते हैं जेंट्स की लाइन में। तो जेंट्स की लाइन काफ़ी ज़्यादा ना भीड़ लगी हुई है, बट एक्चुअली अगर मान लो बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो आप लेडीज़ लाइन से जा सकते हो। वो ऊपर से आगे जो पुलिस वाले कर्मचारी हैं खुद बोल देते हैं कि यहाँ से आ जाओ राइट में जेंट्स। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं लेडीज़ वाली लाइन से, बाकी कुछ जेंट्स जो है वो बीच में फंस गए तो इसलिए वो अंदर ही खड़े हैं। बट हम साइड से घूम कर अभी टाइमली अंदर आ गए, तो देख लो हम कितना आगे आ गए। राइट साइड में काफ़ी लोग अभी खड़े ही हैं और अब हम साइड से आ गए। हमें ऐसा बोला गया था कि यहाँ से साइड से आ जाओ, साइड में बहुत भीड़ है। अब पता नहीं किसने इन्फॉर्मेशन दी थी, बट काफ़ी लोग थे वो आगे आ चुके थे हमारे इस तरह से। तो देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो भजन वगैरह भी पीछे गा रहे थे और जय जयकारा लगा रहे थे। और व्यू देख सकते हो आप, लेफ्ट साइड में लेडीज़ जाती हैं दर्शन के लिए और राइट साइड में जाते हैं जेंट्स पुरुष। तो ये पता नहीं क्या है, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, कुछ होगी प्रथा या कुछ रिवाज शायद उस वजह से। वो देख लो वहाँ पर मम्मा और सिस्टर भी हैं, वहाँ से हाथ दिखा रहे हैं और अब वहाँ पर वो दर्शन करेंगे। अब हम चलते हैं अपना दर्शन करने के लिए। तो गाइस दर्शन कर लिए हैं, दर्शन में एक्चुअली वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है कुछ ऐसे तीर्थ स्थलों पर या फिर मंदिर बजा देना एक बार। बट यहाँ से मैं जैसे बाहर आया तो वीडियो शूट कर ली मैंने, अदरवाइज अंदर शूट नहीं कर सकते थे। तो आप यहाँ से दर्शन कर लीजिए, अंदर ही गुफा है, ऊपर ही गुफा है और वहीं पर दर्शन करते हैं सभी लोग। आप लोग भी यहाँ पर जय जय बाबा बालकनाथ जी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन पर, तो लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलेंगे शनिदेव शिव जी के मंदिर में। शिव जी का मंदिर है ऊपर और वहाँ का हमें पता चला, तो वहाँ भी एक बार जाए आते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो जैसे आगे आओगे ना तो आपको काफ़ी खुला ओपन सा दिखेगा और आप देखोगे कि यहाँ पर जो सराय है रेस्ट करने के लिए, यहाँ पर लोग भंडारा देते हैं, अपने घर से बनाकर लाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भंडारा खिलाते हैं, कुछ भी हो जैसे आप अपना करना चाहें उस हिसाब से यहाँ पर वो सब प्रोग्राम किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। ऊपर स्टेयर से चढ़ के जाना, देखो अब किसी भी मंदिर में जाओगे तो करना तो पड़ेगा। ये है बकरा स्थल, बकरा स्थल क्या है ये आप गूगल कर लीजिएगा एक बार, इसके बारे में मैं ज़्यादा आइडिया नहीं दे पाऊँगा आपको क्योंकि पुराना कल्चर है तो चलता रहता है। ठीक है यहाँ से चलते हैं ऊपर। अब देख सकते हो यहाँ से स्टेयर से ऊपर चढ़ेगी अब हम, काफ़ी अच्छा व्यू आने वाला है आगे जाकर, और भी ज़्यादा अच्छा व्यू, मज़ा आ जाएगा। तो दर्शन कर लेना दोस्तों, रुक जाओ थोड़ा सा। तो अब चरण पादुका के लिए आप दर्शन करने के लिए शिव जी का आइए यहाँ पे ऊपर। लगभग यहाँ से हमें और स्टेयर्स चढ़ के जाना है, तो चलो चलते हैं। देखो रास्ता बहुत अच्छा है, साफ है, सब कुछ सही है। तो गाइज यहाँ से अब जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो लेफ्ट साइड देखोगे ना बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस समय आ रहे हो, मान लो बरसात या विंटर्स में आ रहे हो तो काफ़ी अच्छी बादल दिखाई देंगे। फिर आगे छोटा सा बेबी हमें मिल गया, इस बेबी के साथ थोड़ा टाइम पास किया चढ़ते चढ़ते। अब हम चढ़ चुके थे तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ बंदर भी दिखाई दिए। अपने सामान को थोड़ा सा पकड़ लेना, अदरवाइज़ ये ऐसा ना हो कि छीन कर ले जाएं। तो गाइज अब हमने दर्शन भी कर लिए हैं बाबा बालकनाथ जी के और चरण पादुका जी के। ऊपर शनिदेव का छोटा सा मंदिर भी था और सभी मंदिर में मत्था टेक के टीका वगैरह लगा के पुजारी जी बैठे हैं, उनका टीका लेके सारा काम हो चुका है। और पीछे व्यू देख सकते हो, व्यू बहुत बढ़िया है और इस तरफ की और भी ज़बरदस्त लोकेशन है। चलो अब आगे चलते हैं और मैं आगे अपडेट देता हूँ फिर आपको। तो गाइज़ काफ़ी अच्छा लगा यार मंदिर दर्शन करके ना। जो भी हिमाचल आए और हमीरपुर साइड आए तो प्लीज़ बाबा बालकनाथ ज़रूर आना, आपको सच में अच्छा लगेगा। मंदिर भी अच्छा है, व्यू भी अच्छा है और मत्था टेक के दर्शन करके काफ़ी अच्छा होगा। काफ़ी अच्छी पावरफुल शक्तियाँ हैं, पुराने ज़माने में काफ़ी माना जाता था। सर्च करना और ज़रूर आना, ठीक है। चलो नीचे पार्किंग में चलते हैं और कुछ अपडेट होगा तो मैं दूंगा, अदरवाइज़ फिर ब्लॉग ख़त्म करता हूँ आगे चल के। सो गाइज़ आई होप आपने देख लिया होगा अच्छे से, और कुछ भी अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, अदरवाइज़ मैं यहाँ की लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप को आने में बड़ी ज़्यादा आसानी होगी। और बहुत सारे बीच में आपको मिलेंगे जैसे कि बैठे हुए बाबे वगैरह, वो आपको पहले बोलेंगे दान कर दो, आप दान करोगे फिर उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप मेरी बात सुन ले एक बार बैठ के पंजाबी में, फिर आप ज़रा सा सुनोगे तो उसके बाद फिर आपको कुछ देंगे मोती वगैरह, फिर उसके बाद बोलेंगे कि ऐसे नहीं लेके जा, कुछ पैसे वैसे दे दे, फिर वो बड़ी दिक्कत होती है। तो वो मत सुनना, ठीक है, किसी की भी मत सुनना, कोई यहाँ पर भगवान नहीं है और वो बाबा ऐसे ज़मीन पर बैठा है इसका मतलब वो यहीं के लिए, उसके औकात यही है ना।
अदरवाइज उसकी शक्तियाँ होती तो वो यहाँ नहीं होता, फिर कहीं और होता। चलो ठीक है, दर्शन हो गया, चलते आगे। और अगला पार्ट अब जब कल जाएंगे दूसरी जगह घूमने, वहाँ का व्लॉग आएगा। और यहाँ के व्लॉग में बस इतना ही था, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबे दी।